Hello students, welcome to BBVN online class. Students, today we will continue the same topic. Okay, हमारा sense organs का topic चल रहा था, so हम उसी को continue करते हैं. Okay, so previous video में मैंने आपको बताया that there are five sense organs. Five sense organs होते हैं ना हमारी body में, कौन से? Eyes, nose, ears, tongue and skin. Okay, ये five sense organs होते हैं. एंड हमने डिटेल में टू सेंस ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ लिया है. कौन से? आइज के बारे में पढ़ लिया है एंड ईयर के बारे में पढ़ लिया है. दैट ये जो हमारे सेंस ऑर्गेन्स हैं, कौन सी प्रोसेस हैं या इनके जो मैन मैन पार्ट्स कौन से होते हैं और वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हमें दिखाई देता है या ईयर से हम सुनते हैं. ओके, सो हमने थोड़ा डिटेल में इनके बारे में पढ़ लिया है. सो इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट द नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन्स दैट इज नोज. ओके, हमारा जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन है वह है नोज. ओके, सो आप यू नो वेरी वेल दैट नोज हमारी किस काम में हेल्प करता है. नोज से हम क्या करते हैं, मीन्स नोज हमारी हमारी बॉडी में क्या काम आता है, वह किस काम में हमारी हेल्प करता है. सो यू नो वेरी वेल दैट नोज से हम क्या करते हैं, हम अलग अलग स्मेल लेते हैं कि ये स्मेल बैड है या गुड है. ओके, आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि नोज से हम स्मेल लेते हैं. ओके, एंड नोज हमारी एक और हेल्प करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोज से हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं. ओके, अब आपको मैं बता रही हूँ कि नोज में ऐसा क्या होता है, क्या लोकेटेड होता है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग स्मेल लेते हैं और पहचानते हैं कि ये स्मेल गुड है या बैड है. ओके, सो स्टूडेंट्स आप पिक्चर देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें जो नोज का ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं कि एक एरो बनी हुई है और इस पार्ट में जो एरो बनी हुई है, इस पार्ट का क्या नाम है, ऑल्फैक्ट्री नर्व सेल्स. ओके, ये कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारे नोज में लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं, जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है दैट वेदर द फ्रेग्रेंस इज गुड और बैड, कि कौन सी जो स्मेल होती है वो अच्छी है या गंदी है. ओके, इनकी हेल्प से ही हमें पता चलता है. सो इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्ट्री नर्व सेल्स. आपको विद स्पेलिंग्स का नेम लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्या होता है, जब हम स्मेल लेते हैं ऑल्फैक्ट्री नर्व सेल्स की हेल्प से, तब क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये पहचानते हैं स्मेल्स को कि ये स्मेल है या फ्रेग्रेंस है. ये जो जितनी भी हम अलग अलग स्मेल आती है, गुड है या बैड है, फिर ये क्या करते हैं, जो ये सेल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं. ओके, और जो ये जो मैसेज सेंड करते हैं तो ब्रेन हमें बताता है कि ये स्मेल जो है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, ब्रेन से मैसेज आता है. ओके स्टूडेंट, बट हेल्प कौन करता है, ऑल्फैक्ट्री नर्व सेल्स. तो ये स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, ये प्रोसेस आपके लिए न्यू है, सो आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगी, बट स्टूडेंट धीरे धीरे आप हैबिचुअल बन जाओगे कि कौन से हमारे कौन से जो जो आई जो सेंस ऑर्गेन्स है इसमें कौन से पार्ट होते हैं, उनके नेम आपको लर्न हो जाएंगे. ओके, सो नोज में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री नर्व सेल्स, और ये जो सेल्स होते हैं वो हमारे नोज में लोकेटेड रहते हैं, स्थित रहते हैं, जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये स्मेल गुड है या बैड होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर एग्जांपल जैसे आपको कॉल्ड हो जाती है, जुखाम हो जाती है और आपका नोज पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, दैट टाइम कैन यू स्मेल, क्या आप स्मेल कर सकते हैं दैट वेदर द फ्रेग्रेंस इज गुड और बैड, कि कौन सी स्मेल गुड है या कौन सी फ्रेग्रेंस है, मीन्स अच्छी है, आप उस टाइम नहीं फील कर सकते. क्यों नहीं फील कर सकते, क्योंकि बेटा हमें जब कॉल्ड हो जाती है तब कॉल्ड से हमारे जो ये सेल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. ओके, हमारे नोज में जो ये ऑल्फैक्ट्री नर्व सेल्स हैं ये जुखाम से कॉल्ड से क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं दैट टाइम वी डिडंट आइडेंटिफाई दैट वेदर द स्मेल इज गुड और बैड, कि कौन सी स्मेल अच्छी है या
और कौन सी स्मेल बैड है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल जाता है, पता चलता है क्योंकि ये ब्लॉक हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये प्रोसेस है कि हम स्मेल कैसे लेते हैं। ओके सो ये जो लाइनिंग है, मैं एक बार इनको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इन लाइनिंग को देखिए। वी स्मेल विद आवर नोज, हम नोज से स्मेल लेते हैं। द नोज ऑल्सो हेल्प्स अस ब्रीथ, नोज हमारी ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स लोकेटेड इन आवर नोज दैट पिक अप डिफरेंट स्मेल्स। हम किससे स्मेल लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स लोकेटेड इन आवर नोज, जो कि हमारे नोज में लोकेटेड है, दैट पिक अप डिफरेंट स्मेल्स, जिनकी हेल्प से हम अलग अलग स्मेल्स को पिकअप करते हैं, पहचानते हैं। ओके दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन, और ये सब जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं, दैट टेल्स अस वेदर अ स्मेल इज प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। सो यही जो ये मैसेज है वो हमें बताता है कि जो स्मेल है वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, अच्छी है या गंदी है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी सफर फ्रॉम कॉल्ड, जब हम कॉल्ड से सफर करते हैं, द सेंस ऑफ स्मेल मे नॉट वर्क प्रॉपरली एज अ नोज इज ब्लॉक्ड। जब हमें कोल्ड हो जाता है तब हम अच्छे से स्मेल नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो ये सेल्स होते हैं वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं कोल्ड से, जिससे हम अच्छे से स्मेल नहीं ले सकते हैं, यही रीज़न है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोज के जो इम्पोर्टेंट टू वर्क्स है वो मैंने क्या बताया, वन दैट हम ये हमारा जो नोज है वो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, सेकेंड की नोज की हेल्प से हमें पता चलता है, नोज की हम हेल्प से हम स्मेल लेते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सी स्मेल गुड है और कौन सी स्मेल बैड है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको लर्न करने हैं, जो ये पार्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स, इसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। अगर पॉसिबल है तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।